खरगोन जिले के बलगवाड़ा पुलिस ने लूट की घटना का महज 12 घंटे में पर्दाफाश कर चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने चाकू की नोक पर मजदूर के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। रविवार रात को वीर बहादुर अपने साथी के साथ डेक्सट्रज मक्का कंपनी के काम के लिए जा रहा था। उसी दौरान हरसद्धि कॉलोनी के सामने चार बदमाशों ने उसे रोका और मोबाइल मांगा। जब बहादुर ने मोबाइल देने से मना किया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। सर, रविवार को लूट की घटना हुई, क्या कुछ जानकारी, कितने आरोपी पकड़े गए? रविवार शाम को एक लूट की घटना कसरावत फाटा पे रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के सामने अज्ञात चार व्यक्ति द्वारा एक सीडी मोटरसाइकिल एचएफ मोटरसाइकिल के द्वारा घटना घटित की थी। चाकू की नोक पे उन्हें चोट पहुंचाकर वीर बहादुर से एवं अनिल से उनका मोबाइल छीना गया था। जिस संबंध में इस घटना को हमने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परता से एक त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के गठन के दौरान एक टीमें बनाई जाकर संदिग्धों की पूछताछ के लिए लगातार प्रयास किए गए और हमें उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों तक पहुँचने में सफलता हासिल हुई, जिसमें ये चार आरोपी है। ये लखन और मिथुन, अजय और राजा, ये चार व्यक्ति थे, जिसमें राजा नाम का व्यक्ति है, इसने चाकू से वार किया था। वो चाकू भी घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त हुआ है और दो मोबाइल जो छीने गए हैं वो मोबाइल भी जब्त हुए हैं। और भी इनके द्वारा कहां कहां और कब कब ऐसी घटनाएं घटित की गई है, इस संबंध में हम इनसे बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। सर, अभी और कितनी लूट की वारदातें कबूली है इन्होंने इस लूट के अलावा? इसके संबंध में हम PR लेके इनसे और कहां कहां और कब कब ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया है, इस संबंध में पूछताछ की जाकर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? रामेश्वर ठाकुर, थाना प्रभारी बलकवाड़ा। निमरानी से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।